700-bedded कोविड केयर सेंटर इस्टेब्लिश किया जा रहा है और उसके तहत यहाँ पे जो ये इसकी साफ़ सफाई करवा के यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बेड्स लग गए हैं। और एक टेक्नोलॉजिकल विशेष जो यहाँ पे प्रावधान किया गया है वो ये है कि हमने ये केयर बॉट है जो ये एक तैयार करवाया है, जो एक रोबोटिक मशीन है, जो इसको आदमी को साथ में नहीं आना पड़ेगा, ये रिमोट से चलेगी और ये आएगी हर एक बेड के पास, हर एक पेशेंट के पास, वहाँ पे इसके ऊपर जो दवाई है वो रखी होगी या पानी या खाने का सामान जो भी उस समय पे उपलब्ध करवाया जाना वो इस पर रखा होगा और पेशेंट खुद यहाँ से उठा लेंगे जी। और ये सब वार्ड में ऐसे ही जाके मैकेनिकली रोबोटिकली ऑपरेट करेगी। इसका नाम आप देख सकते हैं, केयर बॉट रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तैयार करवाई गई है ये। और ये यहाँ पे एक मेडिकल टीम अंडर द कमांड ऑफ ए सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, जो उनके नेतृत्व में यहाँ पे एक टीम रहेगी मेडिकल प्रोफेशनल्स की। और ये फैसिलिटी के लॉजिस्टिक्स देखने के लिए फैसिलिटी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, जो कि यहाँ की व्यवस्था है, चाहे खाने पीने का सामान है, चाहे सिक्योरिटी की बात है, चाहे लॉन्ड्री की बात है, चाहे मेडिकल वेस्ट की बात है, वो सबका प्रबंध करेंगे। एक हज़ार बेड की सुविधा तैयार की गई है। जैसे जैसे पेशेंट आते जाएंगे उस तरह के हमने तैयार कर लिए हैं रूम्स, उसी तरह से वो वार्ड एक्सटेंड किए जाएंगे। सर, कितने पेशेंट में पॉजिटिव हैं यहाँ? देखिए, टोटल अभी तक यहाँ पे 14 पेशेंट्स जो हैं वो टेस्ट पॉजिटिव किए हैं, लेकिन उनमें से ठीक होके जा रहे हैं। कल ही जो भाई निर्मल सिंह थे पद्मश्री, उनके साथ जिनका संक्रमण हुआ था, तो उनमें से 4 पेशेंट्स कल बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं और नेगेटिव टेस्ट किया और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल से। उनसे पहले भी बलबीर सिंह जी को भी वो ठीक हो गए, उनको भी डिस्चार्ज कर।